नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का पोर्टल बहुत ही पहले बंद हो चुका है दोस्तों, और पोर्टल बंद होने के बाद भी बीएड में, डीएलएड में, यूजी, पीजी और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनमें एडमिशन की प्रक्रिया लगातार चल ही रही थी दोस्तों। इससे पहले ही ई कल्याण का पोर्टल बंद हो जाने के कारण दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे छात्र जो हैं स्कॉलरशिप से वंचित हो चुके हैं दोस्तों। आपको बता दूं मैं कि झारखंड में 70% ऐसे छात्र होते हैं जो स्कॉलरशिप की मदद से ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं दोस्तों। ऐसे में छात्रवृत्ति पोर्टल जो है दोस्तों, उसका बंद हो जाना छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं दोस्तों। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे की पढ़ाई के लिए फ़ी कैसे पे किया जाए। तो इसको, ई कल्याण पोर्टल को रीओपन करने को लेकर के झारखंड के बहुत सारे राजनीतिक दल के छात्र, युवा नेता जो हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई और कई बार ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया गया, लेकिन अभी तक कुछ असर नहीं पड़ा है दोस्तों। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों, अखिल भारतीय क्रांतिकारी छात्र संगठन, जिसको AIRSO बोला जाता है, अखिल भारतीय क्रांतिकारी छात्र संगठन AIRSO ने पूरा ज़ोरदार विरोध किया है दोस्तों इसको लेकर के, और ई कल्याण छात्रवृत्ति पोर्टल जो है उसको खोले जाने की मांग लगातार कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे में आप लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है। जितने भी छात्र वंचित रह गए हैं स्कॉलरशिप से, उनको आगे आने की ज़रूरत है, और जिनको स्कॉलरशिप मिल गया है, जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, उनको भी छात्रों के हित में आवाज़ उठानी है, उनको भी मदद के लिए आगे आना है दोस्तों। और सभी को मिल करके यहाँ पर ट्विटर का जो कैंपेन चलाया जाएगा 28 जून 2021 को, उसमें सभी लोगों को शामिल होना है और सभी कोई को ट्वीट करना है ट्विटर पे, ठीक है। तो ये जो ट्विटर है, ट्विटर जो कैंपेन चलाया जाएगा दोस्तों, ये 28 जून 2021 को चलाया जाएगा, मंडे को। आप टाइम देख लीजिए 7 PM में, ठीक है। मैसिव ट्विटर स्टॉर्म कैंपेन 28 जून 2021 मंडे एट 7 PM, ठीक है। तो 7 बजे आपको मंडे के दिन में 28 जून को तैयार रहना है, और स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों आपको ट्वीट करना है ज्वाइन द स्टूडेंट्स स्ट्रगल फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। सभी लोगों को ज्वाइन करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इस डेट में और भी जो विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल गया है, उनसे भी अनुरोध है कि वे लोग भी सपोर्ट करें और आगे आएं मदद के लिए, ठीक है। तो आपको ट्विटर पे ट्वीट क्या करना है वो भी देख लीजिए। आपको ट्वीट करना है रीओपन ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। ट्विटर पे आपको यही पे टाइप करना है रीओपन ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल, और यही ट्वीट करना है। और हो सके तो आपसे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, सभी अकाउंट से आप ट्वीट करें, जितना बार हो सकता है उतना बार ट्वीट करें आप। तो ट्वीट करने में कमी नहीं करनी है, बस यही एक लास्ट हम लोग के पास में मौका है, तो इसको गंवाना नहीं है। सभी लोगों को आना है आगे, और सबको मिल करके ट्वीट करना है एक साथ। और डेट तो आपने देख ही लिया, 28 जून 2021 को मंडे के दिन 7 PM में, मतलब 7 बजे शाम में, ठीक है। और भी ट्वीट कर सकते हो आप, ग्रांट स्कॉलरशिप ई कल्याण स्कॉलर, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर आप देख रहे होगे, दोनों में से आप किसी को भी टाइप कर सकते हैं ट्विटर पे, ट्वीट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो रीओपन ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल या फिर ग्रांट स्कॉलरशिप ई कल्याण स्कॉलर। तो आई होप आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, और जितने भी छात्र उनको मिल गया है स्कॉलरशिप वे भी आगे आएंगे, और जिनको नहीं मिल पाया है उनकी मदद ज़रूर करेंगे।